that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spend all my life. Hey guys, good morning. Welcome back to new vlog. और दिन सुबह हो चुकी है. सुबह में हम तुलसी गिलोय का जूस पीते हैं, आपको पता ही है. तो मैंने यहाँ पे दो कप लिए हैं, मेरे लिए और गोला के लिए. तो इसमें मैं थोड़ा सा यूज करूँगा. ये देखिए थोड़ा सा, इसमें दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा ये. और इसमें थोड़ा सा पानी मिलाऊंगा. इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं. गिलोय है, तुलसी है, पपाया लीव्स है, एलोवेरा है, अश्वगंधा है और सतावर है. तो सारी जड़ी बूटियाँ हैं इसमें. और अब इसको सुबह में लेना होता है. मुझे ये 200 में मिलता है. मैं हमेशा मतलब 10-15 दिन में, मेरा 10-12 दिन में ख़त्म हो जाता है. और ये खाली पेट लेना होता है बेसिकली. और इसमें मैं पानी भी लाऊंगा, थोड़ा सा पानी. ये दिख नहीं रहा बिकॉज कैमरा को मुझे टर्न करना पड़ेगा. हाथ से मैंने वहाँ पे लगा रखा है. मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखिए, ये देख रहे हैं? तो ये हमारा सुबह का हमारा डेयरी का रूटीन है. ये हम पीते ही हैं. और उसके बाद एक घंटा, आधा घंटा, 45 से 1 घंटा के बीच में आप कुछ ना खाइए ना पीजिए, आराम से ये सिर्फ. उसके बाद तभी ये अपना काम स्टार्ट करेगा. तो इससे क्या होता है, ना गैस होता है, ना पेट में कुछ प्रॉब्लम होती है, लीवर प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होता. और इम्यूनिटी बूस्ट होती है इससे. और आपकी एपेटाइट बढ़ा देता है, भूख लगता है, मेटाबॉलिज्म फास्ट कर देता है. तो ये सारी चीज़ें, इससे आपको एक्स्ट्रा फैट जल्दी नहीं मतलब आपके बॉडी पर आएगा. फैट बहुत धीरे धीरे आएगा या इसको कंट्रोल करेगा. अगर आप डेली बेसिस में एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो ये बहुत ही फास्ट आपका फैट होगा ना, बेली फैट होगा या बॉडी पे फैट होगा, वो कम कर देगा या ख़त्म कर देगा ये. तो इसको हम पीते हैं. पहले कड़वा लगता था, अब नहीं लगता, अभी नॉर्मल है. कप को मैं धो देता हूँ ताकि बाद में यूज आ जाए. कप धो दिया मैंने, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, मुँह कड़वा हो गया है ना. यस, अब ठीक लग रहा है. अब ये गोला को मैं देता हूँ. गोला अंदर कुछ काम कर रही है तो मैं इनको दे देता हूँ. और आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में, आपको आज का जो हमारा रूटीन है वो आपको दिखाते जाएंगे. और अगर आप में हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए अपडेट मिलते रहेंगे. चलिए फिर. तो बात ऐसा है कि नहाना धोना हो गया है. और नहाने धोने के बाद से पहले, नहाने धोने से पहले वीडियो वगैरह मैंने एडिट कर रहा था. ये देखिए आपका एडिट होके बन रहा है. और भूख लग गई है तो मैंने 2 गुलाब जामुन खा लिया है. और गोला पूजा वूजा कर रही थी तो वो कुछ खाई नहीं. गुलाब जामुन वगैरह बोले कि मैं नहीं खाऊंगी. और आज का भी यही है, खाना बन रहा है. खाने में आज पता नहीं गोला क्या बना रही हैं, बोले कि आज सिंपल ही खाना बनेगा. तो गोला यहाँ पे बोरो काट रही हैं. और क्या करिए गोला, आज खाना बन जाएगा. गाइस कैसे हैं आप लोग, और मैं होप करती हूँ आप लोग अच्छे रहें और सेफ रहें और अच्छे अच्छे खाना खाएं. मैं अभी खाने की तैयारी कर रही हूँ. दाल बन गई है, चावल बन रहा है, चावल बैठा रखा है. अभी मैं ये बोरो बनाऊंगी, जो ये जो क्या कहते हैं बरबटी की सब्जी. बस ये हम लोग पता है बिहार में बोधी इसको बोलते हैं. यहाँ पे पता नहीं क्या बोलते, उस दिन क्या बोलते थे यहाँ, बोरो बोलते हैं, बरबट्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं. सिंपल सा खाना ही
धूप भी काफी लगी है। हाँ धूप ज्यादा लगी, देख रहे मेरे फेस पे कितना धूप आ रही है, वो गेट से आ रही है धूप, देखो कैसी आ रही है। तो गोला सब्जी वब्जी काटने में लगी हुई है और मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ, नीचे ही बैठ गया हूँ, और हम नीचे ही बैठ जाता है सारा साफ सफाई गोला एकदम चकाचक सुबह में कर देती हैं, पूजा हो जाता है सुबह में ही। और तुलसी माता हमारी लहलहा रही हैं, हरी भरी हैं तुलसी माता एकदम। तुलसी माता को देख के एक पॉजिटिविटी आती है और एक बहुत अच्छा मतलब बहुत एनर्जी डेवलप होता है एक अच्छा सा उनको हरा भरा देख के। तो धीरे धीरे और भी हम फूल वगैरह ऐड करेंगे भी, लॉकडाउन वगैरह खत्म होगा तो धीरे-धीरे कुछ कुछ सामान हमें जोड़ना है, वो आपको अपडेट मिलता रहेगा। काफी सारे सामान का भी लिस्ट उस बनाना है, ऑलरेडी बन चुका है, जब आएगा तो आप देख लोगे। हां क्योंकि हमें काफी घर को डेकोर भी करना है, काफी सजाना भी है, अभी कुछ नहीं किया अभी लॉकडाउन से। अगर लॉकडाउन अगर नहीं होता तो हम लोग का अभी ये घर पूरा एकदम डेकोर हो जाता अच्छा से। मतलब भले अपना घर नहीं है कोई बात नहीं है यहाँ पे, बट आप लोगों की दुआ रही तो एक दिन जरूर लेंगे, भगवान के द्वारा माता रानी का आशीर्वाद रहा तो जरूर अपना घर यहाँ पे लेंगे। बट अभी अपना घर नहीं है पर इसको भी अपना घर जैसे ही हम लोग रहने लगते हैं तो अपना ही हो जाता है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है मुझे इस घर पे, क्योंकि खुला खुला है, धूप आ रही है, हवा आ रही है, ताजी ताजी हवा आती है सुबह सुबह, दोपहर तक तो पोल्यूशन से भर जाता है पर सुबह सुबह जो फ्रेश हवा आता है ना वो अलग ही मज़ा है, तो वो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। इसलिए थोड़ा मैं चाहती हूँ कि ये घर को थोड़ा सा डेकोर करूँ, थोड़ा सा सजाऊँ इसको जैसा मन है। जब अपना घर होगा तो ऐसे उठा के ले चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस लॉकडाउन खुल जाए उसके बाद कौन सा हमें। अब देखो अभी हमने कुछ सामान जोड़ भी लिया ना, कोई दिक्कत नहीं, नया घर होगा तो उसको उठा के ले चले। एक बड़ा दिक्कत होता है ऊपर नीचे करने में, थोड़ा शिफ्टिंग में थोड़ा दिक्कत होती है, खराब हो जाता है, कितने सामान हमारे टूट गए, हमारे बेड टूट गया, बेड एक तरफ का। हाँ बेड तो लेना ही पड़ेगा बाद में, चलो अभी तो चल रही है, बस यही है, बस लॉकडाउन खुल जाए फिर धीरे धीरे सब कुछ धीरे धीरे सामान जोड़ना ही है। हाँ तो फेस कितना ब्राइट दिख रहा है, धूप और हवा बहुत अच्छी आ रही है, हवा चल रही है, देखो गोला देखो कितना तेज हवा चल रही है। बाहर के जो घर है उसमें वो क्या बोलते हैं कपड़ा सुखाते हैं, तो कपड़ा जो एकदम बहुत तेज तेज उड़ रहा है, मतलब हवा तेज चल रही है, इसका मतलब ये है। और बाहर लड़के अपने छत पर बहुत सारे हैं, छत बड़ा बड़ा है तो क्रिकेट खेल रहे हैं वहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा माहौल है। दिन भी आज अच्छा है, उतना गर्मी नहीं है, है ना, कहाँ गर्मी है गोला, तो गर्मी नहीं है आज, मौसम अच्छा है, रात में थोड़ी सी उमस हो जा रही है, गर्मी हो जा रही है, बस दिन मिला जुला के अच्छा है। तो हाँ नहाने के बाद तो फ्रेशनेस आ जाती है। तो अभी हम क्या करेंगे, खाना उन्हें खाएंगे, खाना उन्हें खा के फिर हम रील शूट करेंगे। तो आप हमें अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ जाके फॉलो कीजिए, आईडी है हमारा @tiwarijikaghar, आप फाइंड आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो अभी हम गोला बरबट्टी का सब्जी बनाएंगी, सब्जी खाते हैं, देखते हैं सब्जी कैसा बनाती हैं, ऐसे गोला सब कुछ अच्छा ही बनाती हैं। दाल चावल बन गया, भूख बहुत तेज़ लगी है, मैंने गुलाब जामुन खा लिया है, गोला कुछ नहीं खाई है, तो देखते हैं कब तक खाना बनता है, देखते हैं क्या मतलब आधा घंटा में खाना तो बन ही जाएगा और उसके बाद सब्जी बनाना, उसके बाद खाएंगे। चटनी वटनी भी बनाओगी क्या कुछ? चटनी बनाएंगे, गोला बोली चटनी नहीं बनेगी आज, तो आम का अचार भी आज काम चला है, चलाना पड़ेगा आम के अचार से। तो चलिए फिर खाना खाते हैं फिर, और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। ये देखिए लड़की एक घंटे से तैयार हो रही है, पार्टी में जा रही हूँ ना, तैयार हो रही है। कौन सी पार्टी में जा रही है बोला? ऐसे वाली पार्टी में, चलो जल्दी करो बोलो, घंटा लगा।
हे गाइस, तो शाम के 7 बज चुके हैं और 7 बजे अब हम थोड़ा सा चाय कॉफ़ी पी रहे हैं। ये रहा मेरा चाय और गोला ने अपना कपड़ा बदल लिया, जो कपड़ा पहनी थी और रील्स वगैरह शूट कर ली, अब दूसरा रील गोला शूट करेगी दूसरे कपड़े में। तो यही आजकल का ड्रामा चल रहा है, यही लॉकडाउन का हमारा साइड इफ़ेक्ट है। अब लॉकडाउन में करें तो क्या करें, इतना बोर हो जाते हैं ना कि पूछिए मत। आप लोग भी बोर होते होंगे, आप लोग समझ पा रहे होंगे और रिलेट कर पा रहे होंगे हमसे। तो अभी यही है, गर्मियाँ थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत नहीं है, दोनों मिला जुला के समझिए है। तो बात ये है कि नॉर्मल है। हाँ, मतलब हमें रात में थोड़ी बहुत एसी चलाने पड़ता है और मच्छर आजकल बहुत ही। बोला बंद कर दिया था ना गेट, गेट बंद करना पड़ेगा। गाइज, मच्छर इतना परेशान कर रहा है कि घर पे फ़ोन किया तो पापा बोल रहे कि मच्छरदानी ले लो। तब इतनी इसमें कहाँ से मच्छरदानी ले, जाके मच्छरदानी खरीद के लें, सारा कुछ बंद वगैरह है। तो अभी ऐसे ही काम चल रहा है, एसी चला देने पर ठंडी के मारे पता नहीं। अब मुझे थोड़ा सा मैं ऑब्जर्व किया कि ठंडी में मच्छर नहीं लगता है, जैसे मैं एसी चलाता हूँ तो मच्छर सारे भाग जाते हैं और जैसे ही पंखा चलाता हूँ सारे मच्छर आ जाते हैं। पता नहीं लॉजिक क्या है, लॉजिक यही होगा कि ठंडी उनको लगती होगी तो वो ठंडी के हमारे भाग जाते हैं, गर्मी में वो मच्छर एक्टिवेट ज़्यादा होते हैं, तो यही होता होगा। तो खैर ठीक है, चलिए चाय वाय कॉफ़ी वगैरह आप लोग भी पीजिए, हम लोग भी पीते हैं और बने रहिए हमारे साथ। हे गाइस, काम दम है नहीं, देखिए बिल्ले की तरफ पड़े हुए हैं हम लोग। एक तो पूरा सो गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये देखिए महाराज को नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है इनको, नहीं है। आज जब मैंने इनको कहा कि मैं भी सो जाऊं, बोले खाना नहीं बनाओगी। भूख लगी है ना, अब बोलते हैं खाना नहीं बनाऊंगी। अभी इनको ना क्या कहते हैं, पैर में दर्द हो रही है और बॉडी में थोड़ा सा पेन हो रहा है, बिकॉज के बिल्ले की तरफ पड़े रहना है। कुछ काम है नहीं तो बैठे बैठे बॉडी में पेन हो रहा है इनको। तो हम चाहते हैं कि अभी आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं जा रही हूँ इनको थोड़ा सा मसाज देती हूँ थोड़ी बॉडी में हल्का फुल्का। ये नहीं कि तेल वेल गरम करो और मालिश करो, ऐसा मसाज नहीं करना है, वो जाके स्पा पे जाके करेंगे। किससे कराऊंगे स्पा में? स्पा में नहीं जाता, मुंह भी नहीं देखा। वहाँ पे तो बीवी से भी सुंदर सुंदर लड़कियाँ होते हैं, पता नहीं। वो मसाज देते हैं अच्छे से, मतलब उनका काम ही वही है जो उनका मसाज, उनका पता कितना बहुत अच्छा पैसा लेते हैं वो लोग मसाज में। आप मसाज भी ऐसे देंगे तुम्हें जिंदगी भर करने की जरूरत ही नहीं है, एकदम बॉडी हल्का रिलैक्स हो जाता है। तो वैसे तो मसाज में दे नहीं पाऊंगी पतिदेव, तो मैं हल्का फुल्का मसाज दे देती हूँ तुम्हें, ठीक है? चलो देह दबा दे। हाँ, लोग बोलते हैं कि सेवा करो तो मेवा मिलेगा। हाँ जी, हमको क्या मेवा मिलेगा, कुछ तो मिलना है नहीं, यही है मेवा मिलेगा। हाँ, मेवा मिलेगा। तो मेवा अब खरीद के आएगा तभी तो मिलेगा। ड्राई फ्रूट मेवा नहीं बोल रही हूँ मैं। हाँ। गोला ने ऐसा अच्छा से दबाया कि नींद ही खुल गया, टूट गया, इतना अच्छा से दबाया। अब नींद खत्म हो गया, नींद ही हम नहीं लगा, नींद आ रही थी इसलिए आ रही थी, ये झूठ बोल रहे। मैं उधर जाके बैठी हुई थी, अपना मोबाइल पे लगी हुई थी और ये यहाँ पे लेटे हुए थे, मोबाइल देखते मन भर गया, बस फूस हो गया। तो मैंने बोला तुम्हें बॉडी मसाज कहाँ तक कर दूँ, हाँ कर दो तो फिर नींद खुल गया। तो गलती किसकी, मेरी है तुम्हारी? हाँ, नींद आ रही है मुझे। हा? अब नींद खुल गई, नींद खुल गई। हाँ। खाना खा के फिर सोना, भूख लगी है। मैंने इनको कहा एक दिन मेरा दबा दो, ये पता है तुम्हारा गला इतना पतला, गला दबा दो। ये मेरे गला दबाने को सोचते हैं खाली, ऐसे है ये। तो हे गाइस, खाना वाना हमने खा लिया और गोरा यहाँ पे बर्तन धो रही है, रात का बर्तन। और बोला तो आँख में नींद आ रही है, तेज नींद आ रही है और अब जा रहे हैं हम लोग सोने के लिए। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए। और आज के लिए बाय बाय।